Hello students, good morning, good afternoon and good evening to all of you according to the study guide. So guys, today we are going to study the exercise of present indefinite tense and present continuous tense. So guys, we have already studied present indefinite tense and present continuous tense. So we have studied that again. We have verb, main verb, engage format and uses and keywords and have just played that today. और ये activity मैंने आपको as a homework दी थी जिसका आपको उनके जो आंसर्स हैं वो आपको फिल कर लेने हैं। तो गाइस इन आंसर्स मैं यहाँ शो करता हूँ, आपने आंसर्स मैच कीजिए कि आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं। आपको तो ये एक्टिविटी इंस्ट्रक्शन नॉट भी की है तो पहले वीडियो पॉज करते हुए यहाँ पर आप ये एक्टिविटी नॉट कीजिए, उसके बाद आप आगे वीडियो देखिए आप कि आपके आंसर्स क्या हो सकते हैं, फिर आप मैच कीजिए। और फिर तो पहले अभी होती है प्रॉब्लम आपकी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके या फोन करके आप उसे कॉल कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरी है आप मैं सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस देखिए हमारा जो ये एक्टिविटी है इसको हम सॉल्व करते हैं। माय अंकल नॉट ईट ब्रेकफास्ट। सो गाइस यहाँ एक्टिविटी सॉल्व करने से मैं बताना चाहूँगा स्टार्टिंग में जो भी सेंटेंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे सबसे पहले पहचानना होगा कि सेंटेंस प्रेजेंट में है या पास्ट में या फ्यूचर में। वैसे गाइस यहाँ पर मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आप यूज कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखा मिलेगा या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लिखा मिलेगा, ऐसा नहीं मिलेगा। तो फिर आप सेंटेंस पहचान लेंगे कैसे कि सेंटेंस प्रेजेंट का पास्ट का फ्यूचर है। तो गाइस मैं कुछ चीजें क्लियर कर देता हूं, आपको दो चीजें करनी है, आपको पास्ट टेंस की जो पहचान है वो याद रखनी है एंड फ्यूचर टेंस की पहचान याद रखनी है। अगर आपने इनकी पहचान याद रखी तो प्रेजेंट अपने आप फिल हो जाएगा। जब पास्ट की पहचान सीखेंगे आप फ्यूचर को सेंटेंस की पहचान सीखेंगे आप तो प्रेजेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो देखिए गाइस पास्ट में क्या है, सेंटेंस का पास्ट हुआ तो पास्ट में आपको पास्ट टाइम आपको मिलेंगे, पास्ट टाइम रेफरेंस आपको मिलेंगे, जैसे यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, एगो, या फिर हिस्टोरिकल फैक्ट इतिहास की बात, या फिर कोई पास्ट डेट पास्ट ईयर, इस प्रकार कुछ टाइम ही आपको मिलेंगे या कुछ हैपनिंग्स आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल डेट हैड वाज वर या सेकंड फॉर्म, इससे कुछ वर्ड्स आपको मिल सकते हैं जिससे आप पहचान जाएंगे कि सेंटेंस पास्ट में है। तो गाइस पास्ट टाइम की रेफरेंस कौन कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल यस्टरडे, एगो, लास्ट प्लस टाइम, फॉर एग्जाम्पल लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, लाइक दैट, ऐसे कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आपको मिलता है, हिस्टोरिकल फैक्ट। या कोई पास्ट डेट ईयर जो मिलती है फॉर एग्जाम्पल 2005-06 लाइक दैट, कोई पास्ट डेट ईयर मिलती है, ये सब पास्ट के कीवर्ड्स होते हैं जिसे पहचान रखने से इस पास्ट में है। इसके अलावा इससे कुछ पास्ट में सिर्फ हैपनिंग्स होती हैं, डेट आपको मिल जाता है, डेट या हैड आपको मिल जाता है या वर्ड्स वगैरह मिलता है, ये कुछ वर्ड्स हैं या कुछ सेकंड फॉर्म होती है, ये हम बताते हैं कि आपका सेंटेंस पास्ट क्या है। फ्यूचर में गाइस फ्यूचर में आपको आपको वर्ड्स मिल सकते हैं टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट टाइम, एक्सेट्रा, इस तरह की पहचान फ्यूचर टाइम के रेफरेंस आपको मिलेगी जिससे आपको क्लियर होगा कि सेंटेंस भी चल रहे हैं। गाइस जब आपको पास्ट या फ्यूचर के रेफरेंस आप नहीं मिलते हैं तो ये मान के चलिए वो आपका सेंटेंस प्रेजेंट नहीं होगा। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस माय अंकल वेंट नॉट इन ब्रेकफास्ट, पास्ट रेफरेंस नो, फ्यूचर नो, तो सेंटेंस सेंटेंस प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट में हम आपको वर्ब या वर्ब वर्ब के लिए अब प्रेजेंट में इंडेफिनिट लगाएं, कंटीन्यूअस परफेक्ट, ये डिपेंड करता है सेंटेंस पर। सबसे पहले इंडेफिनिट वर्ब देखेंगे, इंडेफिनिट स्टेट होता है तो गाइस इंडेफिनिट इस तरह से इंडेफिनिट भी करेंगे, अगर कंटीन्यूअस स्टेट होता है तो कंटीन्यूअस करेंगे। सो गाइस देखिए माय अंकल नॉट ईट ब्रेकफास्ट, मेरे अंकल ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, मैं रूटीन में काम नहीं करते हैं। सो गाइस रूटीन की बात होती है, रूटीन में काम होता है नहीं होता है वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट सिस्टम में या तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा नेगेटिव में, नेगेटिव सेंटेंस का डू प्लस नॉट फर्स्ट फॉर्म,
तो यहाँ बाइनल कार्बन सिंगल है, गैस का एक्सचेंज डस नॉट ईट, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट है बाइनल नॉट ईट ब्रेकफास्ट नाउ, ये नाउ जो कीवर्ड मैं नोट कर लेगा, नाउ हम बताते हैं ये प्रेजेंट कंसिस्टेंस यहाँ पे है, तो गाइस प्रेजेंट कंसिस्टेंस की बात करें तो इज नॉट फिटिंग। ओके गाइस नेक्स्ट एरिया नेवर सी ब्लाइंड नेवर कम लेट टू स्कूल, गाइस नाउ जो कीवर्ड है यहाँ एंटरटेनमेंट में हम नोट कर लेते हैं और एंटरटेनमेंट की बात कर रहे हैं तो नेवर कम्स एस थर्ड सिंगुलर एस गाइस जैसे कि मेंटल सेकंड टेक्टिव बात कर रहे हैं ई प्लेनटे गाइस यहां सेकंड ये क्यों हमें बता रहा है सेंटेंस किसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट जिसका कीवर्ड है सेकंड इज बहुत ही कम मेरे अंदर बहुत ही कम चाहते होते हैं तो यहां पे गाइस टेक्स एस क्यों है थर्ड सिंगुलर मेरे अंदर बहुत ही कम चाहते होते हैं लेकिन आज वो पी रहे हैं इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस इज टेकिंग गाइस नेक्स्ट है व्हाई यू ब्लाइंड वेयर कॉट नाउ नाउ ये हमें क्यों बता रही कंटीन्यूअस यहां पे प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपने कॉट क्यों पहन रखा है आप क्यों पहन रहे हैं इट मींस प्रेजेंट कंटीन्यूअस शो करें तो यहां पे आर और यहां पे गाइस हम वेयरिंग ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस फिट करेंगे इंटरवेटिव में और यहां देखिए I never wear blank shirt till October. मैं October तक coat नहीं पहनता हूँ। ये जो never की बात है आपको पता है, plus indefinite भी करते हैं, तो हम बात करें indefinite की never wear only past form. Guys यहाँ S या ES यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि I, V, U, D इनके लिए verb में S या ES ऐड नहीं करते हैं। Next है guys. Blank you wait for me here. Interrogative. क्या आप मेरा यहाँ वेट कर रहे हैं? Means wait. Guys, it's only till ले सकते हैं। जब भी वो long time action होता है, long time जो simple action में भी सकते हैं, जो किसी लंबे समय से चलती है, वो हमें भी हम continuous tense और most use होते हैं। So wait long time action है, sleep सोना एक long time action है। जैसे actions होते हैं, उनसे almost मेरी मदर अक्सर चाय पीती है तो
तो क्या बन गया इस अर्थन सिंगुलर है इंडेफिनिट टेंस है ड्रिंक्स बट टुडे सी कैन कॉफी यानी आज वो कॉफी पी रही है तो गाइस ये बता रहा है कि यहां पे कॉन्टिन्यूअस टेंस है इज ड्रिंकिंग सो गाइस इसका आंसर हुआ तो ये आपकी एक्टिविटी एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दी गाइस इस एक्टिविटी को आप नोट कीजिए और एज अ होमवर्क के बेस पे आप मुझे मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 9414340825 उस पे सबमिट कीजिए और इसको कोई रिगार्डिंग इंक्वायरी आपकी कोई प्रॉब्लम है सो डेफिनेटली विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क मी बाय व्हाट्सएप बाय कॉल सो गाइस इफ यू आर सैटिस्फाइड इन माय So with my teaching, so please like, subscribe and share my videos. Have a nice day. Bye.